भाई ये कॉलेज में भी प्रेयर होती है क्या? नहीं बे, ये प्रेयर और वर्दी का चस्का ना ये साले स्कूलों के मास्टरों को ही होता है, कॉलेज में ना बस लौंडियाबाजी होती है। सही कह रहे यार, यहाँ सरकारी स्कूल में तो लौंडे लौंडे को लाइन मार रहा है। वो हमें था ना ट्वेल्थ भी वाला, वो कल प्रेयर के टाइम पे राहुल के साथ था टॉयलेट में। क्या बात कर रहा है फिर भाई? हम इस बार फांद के क्यों नहीं जा रहे, इसे क्यों तोड़ने में अपनी घिस रहे हैं? भाई चूचे, आखिरी कुछ दिन बचे हैं स्कूल के, निशानी तो छोड़नी पड़ेगी ना। भाई पिछले 2 साल से सिर्फ निशानियां ही छोड़ रहे हैं, स्कूल नहीं छोड़ेंगे बेटा, इस साल पक्का छोड़ेंगे, तेरी माँ की कसम। भाई कॉलेज में भी बंक मारना मुश्किल होता है क्या? नहीं बेटे, फुल आजादी होती है कॉलेज में। तेरा मन है तो पढ़, नहीं है तो मत पढ़, सारा दिन कैंटीन में बैठ, फुल लॉन बदमाशी कर। ओए 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 ओए, परफ्यूम दा लड़कियों की खुशबू सूं, उन्हें गर्लफ्रेंड शर्टफ्रेंड बना, फिर किस विस कर, कोई कुछ नहीं कहता है वहाँ। सर जी, आप कौन से कॉलेज गए थे? नहीं, वहाँ अटेंडेंस का चक्कर तो नहीं होता ना यार? चुस्की को पैसे नहीं देने चाहिए थे, अब कैसे करेंगे पेपर को जुगाड़? बेटे समझ, रोल नंबर भी खरीदे ही है, नहीं तो बैठ नहीं पाते पेपरों में। और साले इतने दिन लगाएगा सपने देखने में, तो कहाँ से लाऊंगा पैसा? किधर आज का सपना? भाई तेरे को बोला था ना, देखता हूँ रोज सपना में, याद नहीं रहता कभी कभी। हनी वो एक अंग्रेजी फिल्म आई थी ना इंस्पेक्शन, टाइटैनिक वाले हीरो की, उसमें ना सुइयां घुसा घुसा के ना दिमाग में घुस जाते हैं। तू भी ढूंढना ऐसे कोई जुगाड़ कि ठोकी दो सुइयां और देख लिया मेरे साथ मेरा सपना। हमारा कॉलेज का पहला दिन होगा ना, दोनों भाई घोड़े पे जाएंगे कॉलेज, तू सफेद घोड़े पे, मैं काले पे। दोनों ने ना काला चश्मा, लंबी चेन वाले जूते, लाल कमीज और काली पैंट पहनी होगी, कमीज के ऊपर तक के बटन बंद। भाई लड़कियां मर मिटेंगी हम दोनों पे। ओए भाई, सपने से याद आया, आज सुबह का सपना तुझे बताया ही नहीं। अबे चूचिए, तब से चू चपड़ कर रहा है, काम की बात मत करियो कभी। एक तो साले वैसे इतने दिनों बाद सपना देखा तूने। सॉरी होगी भाई, वो क्या है ना कि सपना देखता मैं रोज हूँ, याद नहीं रहता ना कभी कभी। खैर, अरे यार क्या बताएं, आए दिन कोई ना कोई रोना लगा रहता है। भाई मैं तो यहाँ किसी और चक्कर में बैठा हूँ, वरना कब की छोड़ दी होती है चौकीदारी। ये कमरा देख रहे हो, अपने गांव में इससे बड़े कमरे में हमारा सांड गायों को प्रेग्नेंट करता है। सही कह रहे हो पंडित जी, डैडी मम्मी को यही कह रहे थे। अच्छा एक बात बताओ पंडित जी, ये कॉलेज में पढ़ने के लिए कितने कुछ नंबर लाने पड़ते हैं? भाई कम से कम 85%। क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हो पंडित जी? भाई मजाक तो तुम लोग कर रहे हो यार, कॉलेज के बारे में सोच के भी। तुम चिड़ीवार लोग पूरे साल दूसरों की लंका दहन करते रहते हो, अब तुम्हारी बारी है, है? वैसे एक पीछे का दरवाजा है, बहुत तो जुगाड़ लगाऊं। पंडित जी पीछे का दरवाजा क्या, छत या जमीन फाड़ के भी आना पड़े ना आ जाएंगे, जुगाड़ बताओ आप बस। 12वीं कक्षा के पेपर चू गए हैं। चू गए मतलब? अबे चू चू, पेपर के चू मतलब लीक हो गया। नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो पंडित जी, हमारे भी जुगाड़ करा दो यार प्लीज। समझो हो गया, हर पेपर के एक रोज पहले आ जाओ और हर पेपर के 50,000। यार 50 तो बहुत ज्यादा है। अरे भाई दूसरों से 60 ले रहा हूँ, 50 तुम्हारे लिए है। क्यों, हम में कोई अलग चीज फिट है? इट्स सो वल्गर। चुप करना यार पंडित जी, असली तो होगा ना? अरे असली वाले से भी बढ़िया प्रिंटिंग होगी अपने की, तू पैसों की चिंता कर बस। सुनो 7 दिन रह गए, 7 days only। उई 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 उई। भाई ये वायलिन तो बिल्कुल शुरू जैसे बजाते हो, एकदम बढ़िया। कर दी ना फिर से चूचिए वाली बात। अबे वायलिन नहीं गिटार है, है ना भाई? हन्नी है, सबके सामने ना बेइज्जती ना खराब किया अगर, समझा? भाई कुछ भी कह लो, बजाते बड़ा मस्त हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं नहीं पढ़ता यार। अच्छा फिर मतलब पढ़ाते हो यहाँ, म्यूजिक से गाते हो, मोपते वाले शेर उखाने से? ओ भाई नवो यहाँ पढ़ाते हैं और न तुम यहाँ पढ़ते हो, तुम्हारे 5 मिनट हुए नहीं अभी? जा रहे ना पंडित जी, नाराज क्यों होते हो? जानने से पहले अपनी जफर गाय के तो दर्शन करा दो हमें, हम भी तो देखे टोन दूध देती है सादा। तपती दोपहर में खड़ा होकर सूरज का एड्रेस पूछ रहे हो? प्रभु सामने बैठे हैं गिटार लिए। ये क्या बात कर रहे हो पंडित जी? भाई मैंने ना सोच लिया, कॉलेज में ना घुसते ही सीखने गिटार, नहीं गिटार से ना बड़ी लड़कियां पड़ती है, ऐसे ना चुंबक की तरह भाई खिंची चली जाती है भाई, दोनों भाई गिटार बजाए। तू ना चिपक जा, पैसों के जुगाड़ में लग जाओ, चलो भैया आपके ऊपर रिपोर्ट है।
भाई तेरे कॉन्फिडेंस से कभी कभी डर लगता है। अपनी शक्ल से नहीं लगता है। और क्या यार, तू अपने पेचे लड़ा रहे हैं, पेपरों के बारे में मत सोचियो। 5 दिन रह गए, कैसे देंगे पंडित को पैसा? 1 साल और चढ़ना पड़ेगा भाई। चुप करना मनुष्यत, खुश मत हो भाई की तरक्की देख के। हाँ तरक्की, पहली में 1 बार, छठी में 2 बार, 12वीं के सड़े से बेंच में 3रा साल लगातार तरक्की। पहली में तो कोई फेल नहीं होता भाई। हाय सेक्सी। हाँ? चल बे, पागल है क्या? अबे कटवा ले, भालू लग रहा भालू। बाय गॉड पब्लिक को मजा नहीं आएगा। अबे तो तेरी पब्लिक के मजे के लिए अपनी झंड करा लूं? 3000 इसके अलग से। 6, 4 डन है भाई, मुड़ने कुछ है। चल 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 दौड़ा। ए रुक बे साले, तेरी बाप की खेती है ये। प्रधान चुपचाप साइड में, नहीं तो आग लगा दूंगा सच्ची में स्टेज को। मुझे ना चाले, पीछे मेरी आई बोले बना लियो। ये देख, उन्नति उन्नति शेक इट बेबी उन्नति, चाल मीठी चाशनी है उन्नति है उन्नति। चल चल प्रधान, इंप्रूव कर लूंगा। पर मुझे 12वीं के नहीं, फर्स्ट ईयर कॉलेज के चाहिए, मिल जाएंगे? पर तू तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस में है, कॉलेज में थोड़ी ना। हाँ तो क्या हुआ, एक ही बात है। मैं कहते एक ही बात है, कॉलेज कॉरेस्पॉन्डेंस एक बात होती है। अपन कहाँ निकला? बताना यार। जा यार तू पंडित जी से मिले भाई, कॉलेज और कॉरेस्पॉन्डेंस। कौन, BCMC? हाँ बता, जुगाड़बाज आदमी है वो, उससे जाके मिल ले, बोलियो अन्नी ने भेजा था, सब सेटिंग कर देगा तेरी। ठीक है चल चलते हैं। कितना हुआ? कोई नहीं यार, रहने दे। ओए चूच, तू यही रुकेगा मेरे पास। मुझे पता था तेरी आंखों में मेरे लिए इतना प्यार देख के ना, मुझसे भी नहीं जाया जाएगा तुझे छोड़ के। जाने दे इनको, मैं तो कहता हूँ शिकार को बुल्स को भी जाने दे। मैं तुझे ऐसे ऐसे किस्से सुनाऊंगा ना, दीवानी हो जाएगी मेरी, बड़ा अच्छा लगने लगूंगा तुझे। तू जा भाई, मैं संभाल लूंगा। मेरी 30 साल की उम्र और 16 साल के करियर में मेरी माँ के अलावा किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे तू तड़ाक करके बात करे। मुझे समझ नहीं आता यार, तू चीज क्या है, है? कभी भी कुछ भी कह देता है, कर देता है। जाओ तुम लोग, ये आइटम यही रहेगा। और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर कोई भी भसड़ हुआ तो ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे। मुझे बस अपनी पेमेंट से मतलब है, वरना इन लूले लंगड़ों की फौज में तुम्हें भी भर्ती कर दूंगी, समझे? उठो आप। लाली भाई अपना टेलीफोन दे जाना मुझे, मैं तुम्हारी भी खबर लेता रहूंगा ना साथ साथ। नहीं तुम्हें ऐसे ना लगे ना कि मुझे लड़की मिलते ही मैं अपने यारों को भूल गया। यस चूचा स्पीकिंग। चूचा यार बहुत बड़ा पंगा पड़ गया। क्या नाम दिया तुमने? चूचा। चुप दो लाली। कौन बोल रहा है बे? देखो चूचा या जो भी है तुम, इन लोगों के बीच में मत घसीटो, समझे? ओ हेलो मैडम। चूचा कैसे बोल रही हो आप? जानती हो आप क्या मेरे को? ओ भाई मैं लाली बोल रहा हूँ यार। लाली हो या लॉलीपॉप, चूचा नहीं बोलेगा समझा? और वैसे भी लड़की की आवाज में क्यों बात कर रहे? ओ भाई वो मैं नहीं, नीतू मैडम थी। ओ अच्छा अच्छा, तारे मिल गई है लगता है। एक काम कर भाई, दोबारा फोन। ओए हेलो, यस चूचा स्पीकिंग। अबे सुन, सारा भट्टा बैठ गया, हन्नी और प्रिया का भी कुछ पता नहीं, और गोलियां भी गई हाथ से। भाई बस मैं इतना कह सकता हूँ, बड़ी मुश्किल से जान बचा के यहाँ पहुंचा हूँ, तू भी भाग वहां से, कुछ भी कर बस भाग, सुन रहा है?